जो अगला टॉपिक है वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली क्या है, अगर आपके पास ये लेंस है और एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में लाइट आती है यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती है और फिर रिफ्रैक्शन दूसरी बार होती है और लाइट सीधी की सीधी ऐसे चली जाती है। और लाइट जब एंटर करती है तो कहाँ से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के सेंटर से। जो लेंस का सेंटर है उसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। अब एक्चुअल में जब लेंस के रे डायग्राम बनते हैं तो हम ऐसा कुछ भी शो करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम सीधी लाइन शो करते हैं इसमें से पास होती हुई, और लाइन अल्टीमेटली कहाँ से पास करनी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। थिन लेंसेज हैं, और दूसरी चीज़ ये जो लेंस है उसमें जो डिस्टेंसेज हैं वो हमेशा लेंस के सेंटर से मेजर किए जाते हैं, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो आप कनकेव या कन्वेक्स का ऑप्टिकल सेंटर देख सकते हैं, ऐसे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दो किस्म की फोकल लेंथ होती है लेंस की, दो किस्म की, एक फर्स्ट प्रिंसिपल और एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अगर आपके पास, या सेकंड प्रिंसिपल स्टार्ट करता हूँ, सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है, नॉर्मली हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मान लो आपके पास रेज ऑफ लाइट आ रही है और एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में पास करती हुई फोकस में मिल रही है एफ पे, ऑब्वियसली जब रेज इन्फिनिटी से आती हैं, पैरल आती हैं, तो कहाँ मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं। तो रेज ऑफ लाइट कहाँ आ रही है, राइट, और फोकस की वैल्यू भी कहाँ है, राइट। तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस हम हमेशा बोलते थे कि पॉजिटिव होते हैं, हमने लेंस मेकर के अंदर भी डिस्कस किया, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा हमने किया। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो रेज आ रही है, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ज करेगा और यहाँ पर आके वर्चुअली मिलेंगी, तो फोकल लेंथ यहाँ पर है। अब क्योंकि रेज राइट जा रही है और आप डिस्टेंस लेफ्ट मेजर कर रहे हो, तो फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव है। तो ये जो मैंने फोकल लेंथ निकाल ली, ये फर्स्ट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है, और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के हिसाब से फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव है और कनकेव की नेगेटिव है। लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल में इमेजिन करो कि आपका ये ऑब्जेक्ट है और कहाँ पर पड़ा हुआ है, फोकस पे, और रेज कहाँ से निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से रेज निकली सीधी गई और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो हम बोलेंगे कि इसको मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा और रेज पैरेलल हो गई। लेकिन अब कोई ये अगर मान लो कोई ये कहे कि सर देखो एक मिनट के लिए कि रेज तो राइट जा रही हैं और फोकल ने तो नेगेटिव हो गई, हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम इसको करते हैं, हम इसके हिसाब से साइन कन्वेंशन बनाते हैं जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ऐसे अगर आप यहाँ पर इसके फोकस के ऊपर, राइट के फोकस पे, आप ध्यान से एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे फोकस जो सेकंड प्रिंसिपल राइट है, क्योंकि दो फोकस है ना, राइट पे भी है और लेफ्ट पे भी है, तब चेक करें जो राइट का फोकस है वो आपका सेकंड है और ये वाला आपका फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को डायग्राम को देखें, ये आपका जो है फर्स्ट है और ये आपका सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो हम जो काम करते हैं फोकल लेंथ की साइन कन्वेंशन बनाते हैं वो इसके हिसाब से बनाते हैं। तो याद रखना आज के लेक्चर में पूरा हम लेंस करेंगे जिसके अंदर ये बताया जाएगा फोकल लेंथ कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव है और फोकल लेंथ कनकेव की हमेशा नेगेटिव है, बस बाय डिफॉल्ट यही है और कुछ नहीं है। इसके